नमस्कार, आप देख रहे हैं कुक विद रेणुका। फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं गेहूं के आटे के रसीले और सॉफ्ट गुलाब जामुन। गुलाब जामुन किसको पसंद नहीं होते? मिठाइयों में गुलाब जामुन सबकी पहली पसंद होते हैं। गुलाब जामुन का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। तो आइए बनाते हैं आज हम गेहूं के आटे से सुपर सॉफ्ट रसीले गुलाब जामुन, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो आइए सबसे पहले बनाते हैं इसके लिए हम चाशनी। चाशनी बनाने के लिए हम एक पतीले में लेंगे एक कप शक्कर। ये शक्कर लिए हमने एक कप, और उसमें डाल देंगे डेढ़ कप पानी। पानी उससे ज़्यादा ही लेना है, डेढ़ कप लेना है। और हमें कोई तारवार वाली चाशनी नहीं बनाना है इसमें, और इसी तरीके से चलाते रहना जब तक कि शक्कर घुल ना जाए। क्योंकि क्या होता है, जैसे हम इसे चलाना बंद कर देते हैं तो ये शक्कर जो है जल जाती है। तो इसलिए इसे चलाते रहें बीच बीच में। ये घुल रही है और बीच बीच में हमें इसे चलाते रहना है। ये इस तरीके से चलाते रहेंगे जब तक कि वो घुल ना जाए। घुल जाने में क्या होगा, जलने का डर नहीं रहता और अच्छी तरह से चाशनी बनके तैयार होती है। ये चाशनी उबल गई है और बनके तैयार हो गई। अब हम इसे चेक करते हैं ये कैसी बनी है। तो ये देख लेते हैं पहले, ये हमें एक चिपचिपी चाशनी चाहिए। हमें एक तार दो तार की चाशनी नहीं चाहिए। देखो, ऐसी चिपचिपी चाशनी हमें, शहद जैसी चाशनी चाहिए। ये बनके तैयार हो गई है। अब हम इसमें डाल देंगे हमने जो इलायची पाउडर बना के रखा है, एक चम्मच इलायची पाउडर इसमें हम डाल देंगे, जिससे इसका चाशनी का टेस्ट और अच्छा हो जाएगा। तो इसमें डाल देना है हमें एक चम्मच भर के इलायची पाउडर, और इसे भी अच्छे से चला देंगे। और फिर इसके बाद हम इसमें डाल देंगे एक चुटकी, खाने वाला रंग आता ना केसर कलर बोलते हैं जिसको, वो है, वो मैंने डाल दिया है। केसर डालने से कभी कभी कलर नहीं आता, तो इसलिए जो केसर कलर आता है वो डाल दें, ज़्यादा अच्छा होगा। और अच्छी तरह से इसे हम मिक्स कर देंगे। हमारी चाशनी बनके बिल्कुल तैयार हो गई है, और हम इसे साइड पर रखते हैं और इसके लिए फिर दूसरी आगे वाली प्रोसेस करेंगे। हमने लेना है डो बनाने के लिए एक परात लिए, या प्लेट परात जो भी आप ले सकते हैं ले लें। उसमें डाल दें आधा कप गेहूँ का आटा, जो कि मैंने छान कर ले लिया है, और उसमें डाल देंगे आधा कप मिल्क पाउडर, और फिर इसमें हम डाल देंगे एक चौथाई चम्मच हमने लिया है खाने का सोडा, बेकिंग सोडा बोलते हैं ना जिसको, वो लिया है, एक चौथाई चम्मच लेना है। और उसमें डाल देंगे हम डेढ़ चम्मच देसी घी, मोहन के लिए डाला जाता है ना जो घी, वैसे ही डालना है, डेढ़ चम्मच डालना है। इस तरीके से डाल देंगे हम इसमें देसी घी डालना, कोई सभी वनस्पति घी भी डाल सकते हैं। और इसे डो बनाने के लिए हमने लिया आधा कप दूध। अब इसे अच्छी तरह से, सबसे पहले जो हमने मिक्स ये बनाया है, इसे अच्छे से मिक्स करना है, जिससे सारे इंग्रेडिएंट आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और किसी प्रकार की कोई लम्स ना रह जाए, घी वगैरह जो हमने डाला है उसकी लम्स ना रह जाए। और इस तरह से देखो ये बाइंड होने लगा, हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। बाइंड होने का मतलब होता है कि जो हमने घी लगाया है इसमें वो अच्छी तरह से लग गया। अब हमें थोड़ा थोड़ा दूध डाल के इसका डो जैसा बनाना है, न ज़्यादा सख्त बनाना है और ना ज़्यादा ही नरम बनाना है। इसलिए थोड़ा थोड़ा दूध डाल के हम इस तरीके से इस डो बनाते जाएंगे। ये थोड़ा थोड़ा मतलब एक चौथाई कप के करीब दूध लगता है और डो बनके तैयार हो जाता है। ये इस तरीके से बीच बीच में थोड़ा थोड़ा डालना, ज़्यादा डालेंगे तो जो डो है बहुत नरम हो जाएगा, और कम डालेंगे तो डो है जो सख्त हो जाएगा। तो इसलिए ये बीच में ऐसे थोड़ा थोड़ा डाल के बनाते जाना है। ये डो बन के तैयार हो गया पूरा। अब हम क्या करेंगे, इसे रखना होगा इसको, तो हम थोड़ा सा मसल लेंगे इसको फिर से, और इसे एक छोटे बर्तन में इस तरीके से रख के, और इसमें ऊपर से थोड़ा सा घी लगाना है। अब हमें घी लगाने से क्या होगा कि इसे हमें आधा घंटा करीब रखना है, तो इसमें परत नहीं जमेगी, सूखी परत जम जाती है ना ऊपर, जो वो नहीं जमेगी। इस तरीके से घी लगा देंगे हम ये, और थोड़ा लगा देंगे ऐसा सब तरफ से, और इसे आधे घंटे के लिए ढक के हमें रख देना है, जिससे सारे इंग्रेडिएंट मिल जाए। अब आधा घंटा हो चुका है, अब हम इसे देखते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया और सॉफ्ट हो गया है। अब इससे हम इसकी रसगुल्ले की जो है बॉल बनाते हैं। ये
और ऐसे बनाना है कि इसमें क्रैक्स ना रहे, क्योंकि अगर क्रैक्स रहेंगे तो जैसे हम इसे फ्राई करेंगे फट जाएगा। देखो कितना बढ़िया स्मूथ बॉल बन के तैयार हुई है। बाकी के बॉल्स भी इसी तरह से हम बना के तैयार कर लेंगे। और ध्यान रखना है कि क्रैक्स ना रहे बिल्कुल भी। अगर क्रैक्स है तो वो जैसे हम इसे फ्राई करेंगे वो जाके उसमें कढ़ाई में फट जाएंगे, इसलिए बिल्कुल थोड़ी देर ही लगेगी बनाने में। जैसे मैं बना रही हूँ ये बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं है। ये इसी तरह से पूरे बॉल बना के हम तैयार कर लेंगे। सारे बॉल बन के तैयार हो गए हैं। अब इसके बाद हम आगे की प्रोसेस करते हैं। ये कढ़ाई ली है मैंने, कढ़ाई में मैंने घी डाल दिया है। आप कोई भी घी ले सकते हैं, शुद्ध घी ले सकते हैं, वनस्पति घी ले सकते हैं। और इसे अच्छी तरह से गर्म होने दे रहे हैं। गर्म हो जाएगा तो इसमें ये बॉल एक एक करके डाल देंगे हम। एक हट्टी नहीं डालना है, एक एक करके इस तरीके से डालना है। और जो फ्लेम है उसको मीडियम रखना है, जिससे कि ना ये जले और ना ही कच्चा रह जाए। और हल्के आँच पर इसी तरह से सिकने देना है इन्हें, फ्राई होने देना है। ये फ्राई होके तैयार हो गए हैं। और ये ज़्यादा चलाना नहीं रहता, बस ऊपर नीचे एक दो बार पलटना होता है बस। और ये हम इससे निकाल लेते हैं, एक बड़ी छन्नी में इसे निकाल लेते हैं, जिससे इसका जो घी है वो भी इसी में निकल जाएगा। ये इस तरीके से एक एक करके निकाल लेना है। घी निकालना ज़रूरी होगा, क्योंकि नहीं तो चाशनी में जाके वो घी जम जाएगा। इसलिए इस तरीके से घी पूरा इसी में छूट जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। इस तरह छन्नी में लेंगे हम घी और पूरा ऐसे झट निकालते हुए घी। इसके बाद हम इसे चाशनी में इसे डालेंगे। ये हम इसे चाशनी में डाल देंगे और इसे कम से कम 1 घंटा रखना है चाशनी में। ये डाल दिया, 1 घंटा रखना है। ये 1 घंटा हो चुका है। ये हमारे देखिए रसीले गुलाब जामुन बन के बिल्कुल तैयार है। 1 घंटा हो चुका है। अब इसे सर्व करते हैं फ्रेंड्स। ये मैंने सर्व कर दिए हैं। बहुत ही बढ़िया गुलाब जामुन, सॉफ्ट रसीले गुलाब जामुन बन के तैयार हुए। ये देखिए, एक मैंने कट करके भी आपको दिखाया कितना रसीला बना हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये रेसिपी आपको कैसी लगी? पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगली रेसिपी के वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।